अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने शीन से कपड़े मंगवाए थे। अब थोड़े से दिन रह गए स्कूल के, उसके बाद समर वैसे भी स्टार्ट हो चुका है, तो पहनने के लिए समर के लिए कुछ नए चाहिए, तो मैंने सोचा शीन से मंगवा के देखूं, क्योंकि इंशा का साइज़ बिल्कुल चेंज हो गया है, रज का साइज़ बिल्कुल चेंज हो गया है। सो बेसिकली तो उनके लिए है, आई थिंक एक टॉप मैंने अपने लिए भी मंगाया। लेट्स सी कि कैसे निकलते हैं कपड़े। मैं ओपन करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, सो ये मैंने निकाल लिए हैं, इसके अंदर ये सारे इस तरह से हैं कपड़े, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पहनती जाएंगी ना, तो वो पिक्चर्स मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी, और ओके अमाउंट है। अगर आपको एक जैसे जो दो नज़र आ रहे हैं, वो एक लारेट का है और एक इंशा का, क्योंकि उन दोनों ने कहा था वो थोड़ा सा मैचिंग करना चाहती हैं, सो उनकी मैचिंग होगी एक दो में। सो ओके, अच्छा लूज़ लिए हैं हमने थोड़े से कपड़े बच्चों के भी, क्योंकि कहाँ गया, हाँ क्योंकि बहुत टाइट टाइट नहीं पहनाती मैं, फ़िटिंग वाले नहीं पहनाती, एमन भी नहीं पहनाती फ़िटिंग वाले, तो इस वजह से हमने थोड़े थोड़े लूज़ लिए हैं। सो जो एक्सेल है वो तो मैं हटा देती हूँ, जस्ट मैं प्रिंट दिखा दूँगी आपको, पूरा ओपन करके नहीं दिखाऊँगी। एक्सेल के भी हैं इसके अंदर कुछ टॉप्स, और कुछ इज़मा के साइज़ के हैं, कुछ इरज के साइज़ के हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा सॉर्ट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखा दूँ। ओके जनाब, सबसे पहले मैं इज़मा का दिखा देती हूँ, क्योंकि उसके सिर्फ दो ही लिए हैं। उसके साथ मसला ये है कि वो एक दो चीज़ें उसका समझ में आ जाती हैं, फिर वो उसके साथ स्टिक हो जाती है। अच्छा, एक ये टी शर्ट ली है, उसका रीज़न ये था इस पर यूनिकॉर्न बना हुआ है, वो पहन ली थी यूनिकॉर्न वाला, और एक ये मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं आजकल मुझे येलो और मस्टर्ड जो है ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, सो मैंने एक ये उसके लिए ले लिया था, और समर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। सो एनीवेज, सो ये सिर्फ दो ही इज़मा के लिए हैं, क्योंकि इज़मा के मैं ऑन एंड ऑफ बाय करती रहती हूँ, मैं कहीं पर भी जाती हूँ वहाँ इतने बड़े बच्चों की शॉप हर जगह मिल जाती है। इंशा के मैंने ज़्यादा इसलिए लिए हैं क्योंकि इंशा जो है ना उसके कपड़े हर जगह नहीं मिलते, तो उसके मैंने ज़्यादा ही ले लिए थे। अच्छा, अब मैं आपको इरज के दिखा देती हूँ। इरज के जो कपड़े हैं वो ज़्यादातर मैंने फ्रॉक्स या ए लाइन में लिए हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी चबी है, तो उसके लिए जो है एक तो मुझे साइज़ भी ज़्यादा बड़ा थोड़ा लेना पड़ता है, और प्लस उस थोड़ा सा फ्लोई सा लेना पड़ता है, ताकि वो जो है ना बिल्कुल चिपका चिपका ना रहे हिप्स के ऊपर और स्पेशली स्टमक के ऊपर आपके, तो इसका इस तरह से गला है, चकोर है, बट आई थिंक आई हैव टू डू समथिंग, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही वाइड है गला। लेट्स सी, पहना के देखूँगी। और ये इस तरह से इसकी नीचे फ्रिलिंग टू टीयर में हुई हुई है, और इसकी स्लीव्स का स्टाइल इस तरह से है। आई थिंक मैं कुछ करूँगी इसके ऊपर, गला मुझे जो है वो थोड़ा सा वो लग रहा है। कपड़ा ये एयरी है, फ्लोई है, और पीछे इसके इस तरह ज़िपर है, जिसकी ज़रूरत नहीं है इतने बड़े गले के बाद। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मुझे इनकी यही, मुझे जो ये मैंने आपको ये वो पहला वाला दिखाया, इसकी मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी, नेक लाइन और स्लीव्स का स्टाइल, तो मैंने इसलिए मंगाया था कि मैं इसको देखूंगी, और अगर इरज को पसंद आया तो घर में उसके लिए कुछ लॉन के जो मेरे पास कपड़े हैं ना उसमें से इसको इस टाइप का स्टाइल स्टिच करके दे दूँगी, अगर उसे अच्छा लगता है तो। लेकिन गला थोड़ा ज़्यादा वाइड है, कोई बात नहीं, वो तो मैं मैनेज कर लूँगी, उसको छोटा कर लूँगी। दूसरा वाला जो है ये मुझे इसके लिए अच्छा लगा था, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं, ब्लॉक्स तो नहीं है लेकिन इस तरह से इसकी ब्लॉकिंग हुई हुई है कलर की, ये कहूँगी मैं। सो मुझे ये स्टाइल इसलिए अच्छा लगा था। ये अगेन ये ए लाइन स्टाइल की टी शर्ट है, मुझे ये थोड़ी सी मोटी लग रही है, बहुत लाइट सी, लेकिन I'll just keep it, क्योंकि यहाँ पे इतनी लंबे तो समर होते नहीं है, सिर्फ दो तीन दो ढाई महीने के होते हैं, उसके बाद फिर विंटर शुरू हो जाएगा, मतलब चिली थोड़ा सा ऐसा वेदर शुरू हो जाएगा कि उसमें ये वाले कपड़े पहन लेगी आराम से, विंटर में भी पहन लेगी, सो I'll just keep it। और ये फिर तीसरा इसका है ड्रेस, अगेन इस तरह से कलर्स में कलर ब्लॉक हुआ हुआ है, और ट्रस्ट मी आप घर में बना सकती हैं, मेरे पास तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वरना मैं समर के सारे कपड़े घर में स्टिच करती हूँ, विंटर के मैं ले लेती हूँ लेकिन समर के मैं ज़्यादातर घर में ही से निकालती हूँ, घर में स्टिच करती हूँ। ओके, सो ये फोर्थ ड्रेस है इसका, हाँ फोर्थ है।
और इसके साथ ये फ्री गिफ्ट कुछ आया है, एंड लेट मी सी क्या है इसमें। और इसके अंदर बेल्ट है, ठीक है, ये फ्री गिफ्ट है, बेल्ट है एनीवेज। और अगेन ये फ्रॉक है, ये थोड़ी सी, बाकी सारी नी लेंथ की हैं, ये नी से जो है वो थोड़ी सी नीचे जाएगी। उसको दिखाया था मैंने, उसको पसंद आया तभी मैंने ये लिया है। और इसकी स्लीव्स का स्टाइल इस तरह का है, और गले का भी आपने देख लिया है, रफल स्टाइल है, ठीक। बैक पे जिपर है, और ये इसका लास्ट है ड्रेस, और इसके नीचे ये ओरेब में कटिंग होकर इस तरह से कपड़ा लगा हुआ है, ऐड हुआ हुआ है। सो ये इसके कपड़े हैं, और अब मैं दिखाती हूँ इंशा के। ओके, कोई पर्टिकुलर इनकी वो नहीं है कि मैंने सेटिंग की हुई है कि पहले फ्रॉक्स दिखाऊंगी फिर कुछ दिखाऊंगी, फिर जो हाथ में आ रहे हैं ना वो दिखा रही हूँ मैं आपको। अच्छा, ये जो है अम्ब्रेला कट स्टाइल की फ्रॉक है, सारी जो है वो नी लेंथ से ऊपर की है, यानी कि थाइस तक आ रही है कोई, या बस हल्की सी नी को टच करेगी, क्योंकि उसे ऐसी चाहिए थी कि वो जीन्स के ऊपर पहन ले या ट्राउज़र्स के ऊपर पहन ले, तो वो लॉन्ग जो है ना अच्छी नहीं लगती। यानी वेस ये पहली है, और इसके यहाँ पर ना इस तरह से स्ट्रिंग डला हुआ है, तो वो आप अपनी वेस्ट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। एंड इंशा को इस टाइप की इलास्टिकेटेड जो स्लीव्स है ना वो बहुत अच्छी लग रही हैं, सो इसलिए ज़्यादातर की आप देखेंगे उसमें इलास्टिक डली हुई है स्लीव्स में। सो इस तरह से है ये फ्रंट, और इसके कपड़े इसलिए ज़्यादा लिए क्योंकि उसे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा स्टाइल भी उसका मिल रहा है, उसके मर्ज़ी की कलर्स वगैरह भी मिल रहे हैं, तो बस ले लूँ मैं उसके लिए, ताकि जाना नहीं पड़ेगा मुझे उसके लिए शॉपिंग के लिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज़ दिस वन। इसका गला इस तरह से है, आगे से हल्का सा कट है, और मुझे लड़कियों के ऊपर ना ये कॉलर्स बहुत अच्छे लगते हैं स्पेशली, क्योंकि पता नहीं कुछ स्मार्ट सा लुक आता है। एनीवेज ये तो हिजाब ही पहनती हैं तो इतना कुछ नहीं है, मैंने उसको बहरहाल ये बताया था, दे गेट अनॉयड विद दिस इलास्टिक, सो मैंने उसको बताया था, तो कहने लगी इट्स ओके मम्मा, एक में आ जाएगा तो मैं पहन लूँगी। और उसको उसने भी अगेन स्लीव्स की वजह से लिया है, और इसका उसको ये जो इसके अंदर चेकर्स से बने हुए ना, इसको ये बहुत अच्छे लग रहे थे, तो वो उसकी वजह से भी लिया है। थर्ड वन इज़ लॉन्ग टी शर्ट इस तरह से, और इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, बहुत बहुत सॉफ्ट है। ये ऐसा है कि घर में भी आराम से पहन सकती हैं, सिर्फ बाहर के लिए नहीं घर के लिए भी बहुत अच्छा है। सो इसके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, उसको कलर्स भी अच्छे लग रहे थे, इस पर हल्के से डिज़ाइनिंग भी है बटरफ्लाई एंड ऑल, तो वो सब अच्छा लग रहा था। ओके, द फोर्थ वन इज़ ये वाली, और ये थाई लेंथ तक है इस तरह से, और इसका कलर सॉलिड है। मैंने जो उसको थोड़ा सा पुश किया था कि सॉलिड कलर है, और उसको जो चाहिए था वो ये इलास्टिकेटेड स्लीव्स चाहिए थी, सो ये इस तरह की है। और अगर आप घर में मतलब आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, तो इसके अंदर एड ऑन्स कर सकते हैं आप, अराउंड द एम्बेलिश वगैरह कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट वन इज़ जस्ट सिंपल सॉलिड टी शर्ट, जो जीन्स के ऊपर वो आराम से पहन लेगी, उसके अलावा इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। ओके, देन दिस इज़ द नेक्स्ट वन, और ये हाई लो है, इसको हाई लो की वजह से उसने लिया है। ये थोड़ी सी लॉन्ग है, बट शी सेड आई लाइक इट, आई कैन वेयर इट, आई सेड गुड। ये थोड़ा सा लॉन्ग है, और इसकी हाई लो इस तरह से है, ठीक है ना, वी शेप में है आगे से, अब नीचे से ये राउंड है पीछे वाला जो एरिया है, और बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कलर्स के अलावा, कलर्स इन फ्लावर्स, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वन इज़ टी शर्ट अगेन, और बस टी शर्ट है, और इसके बाद ये वाली, ये लॉन्ग शर्ट है। अच्छा, अब इनकी अच्छी बात ये है क्योंकि ये ज़्यादातर ए लाइन में है ना, तो मैं भी पहन सकती हूँ। अगर तो ये मीडियम साइज़ में हो तो मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर पहनूँ। स्मॉल का इशू सिर्फ इतना है मेरे साथ फ़िलहाल कि मेरी टमी जो है वो अंदर नहीं जा रही, उसके लिए मुझे थोड़ा सा कार्डियो करना पड़ेगा, और मैं इस दफ़ा ना मोमी असल में जा रही है, तो उस ये वो खुद ही बताएगी वो कहाँ जा रही है, तो वो जा रही, तो मुझे उसकी बेटी के लिए ना कुछ 8-10 के करीब सूट सीने, और मेरे पास रात की जॉब के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं इतना निकल पाता कि मैं या तो आइदर मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ या फिर मैं स्टिचिंग कर सकती हूँ। सो मैं आई प्रेफर स्टिचिंग, क्योंकि वो
वो मेरा हैप्पी प्लेस है। सो मैं स्टिचिंग जो है ना वो करना प्रेफर करती हूँ, कि मुझे लगता है सारी दुनिया की टेंशंस ख़त्म हो गई हैं स्टिचिंग करते वक्त। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो। पहनती जैसी जाएंगी ना, मैं कोशिश करूँगी कि इनकी जो है वीडियोस भी बना लूँ, और पोस्ट जो है ना वो मैं कोशिश करूँगी इंस्टा पे लगाती हूँ। इंस्टा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। ये अभी अच्छा, इसमें जो है वो कुछ मैंने आपसे कहे थे एक्सेल भी हैं। एक्सेल जो है वो एमन ने मंगवाए हैं, तो वो मैं उससे बोलूँगी कि वो वीडियो बना ले। उसमें एक ये है, सारे स्टाइल्स वगैरह एक ही हैं, स्टाइल वगैरह तकरीबन एक ही हैं। इट्स जस्ट हाँ, ये लॉन्ग लॉन्ग शर्ट्स ही हैं। मैं अमन से कहूँगी कि वो वीडियो बना ले, क्योंकि मैं खोल के इनकी पैकिंग वगैरह ख़राब नहीं करना चाह रही। सो आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ये सब समेटना भी है मुझे।